मॉर्निंग गाइस, सुप्रभात। तो आज के दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत हो। आपका दिन बहुत ही अधिक अच्छा जाए, इस शुभकामना से मैं आज का दिन की शुरुआत कर रही हूँ। बाहर ना बहुत जोरों की बारिश चल रही है, मतलब इतनी ज्यादा। मैंने खिड़की बंद करी है लेकिन फिर भी आवाज आ रहा है, तो पता नहीं मेरा आवाज इसमें कितना आएगा। तो अभी मैं बाद में तो पूरा वॉइस देने वाली हूँ ऊपर से ही, अभी जितना होगा उतना मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, उसके बाद तो वॉइस ही दूंगी, क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आ रही है गाइस, बहुत शोर हो रहा है। तो आज का अगेन मेरा सावन स्पेशल थाली चल रहा है, तो वही मैं बना रही हूँ। तो आज भी आपको बहुत ही अधिक इंटरेस्टिंग थाली देखने को मिलेगी, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या होता है। तो जितना होगा मेरे वीडियोस में बने रही है, अच्छे अच्छे आपको रेसिपीज देखने को मिलेंगी। तो लेट्स कंटिन्यू रहेगा, भगवान का कुछ कुछ मैं दिखाते रहूंगी, बताते रहूंगी, तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे मैं करती रहूंगी। तो मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ गई थी, बहुत जल्दी तैयारी वगैरह कर ली है, ड्रेस वगैरह पहन लिया मैंने सावन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्निंग की मेरी शुरुआत तो एक कप चाय से होती है। मैं और मेरे मिस्टर के लिए दो कप चाय बना लिया है, ये तो आपको डेली का मालूम ही है। और ये मेरा डेली का जो कौवा आता ही है, तो उसको खाना देने के बाद ही मतलब मैं कुछ आगे कर पाती हूँ, नहीं तो वो बहुत चिल्लाता है। और कौवे के जाने के बाद ना मैंने फिर कबूतरों के लिए चावल रख दिया, उनके लिए वैसे बारीक चावल लेके आई हूँ मैं, तो ऐसे डाल देती हूँ क्योंकि वो भी आते ही रहते हैं। तो और आजकल ना ऐसे छोटी सी चिड़िया आने लगी हैं, आजकल चिड़िया कहाँ देखने को मिलती है ना, मुझे इतनी खुशी मिल रही है इनको देख के ना, तो उनके लिए भी दाना मतलब मिल जाता है। तो चलिए गाइस अभी किचन में चलते हैं। तो सबसे पहले मैं दाल कर रख रही हूँ। तो दाल में हमेशा जैसे बताती हूँ कि मैं दो दाल मिक्स करके करती हूँ। आपने अगर मेरा पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम ही होगा, अगर आप नए होंगे तो आपको बता दूँ कि मैं तुअर दाल और मूंग दाल दोनों मिक्स करके लेती हूँ। तो तुअर दाल थोड़ा कम लेती हूँ, मूंग दाल थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ, हींग डालती हूँ और एक टमाटर डाल देती हूँ। ऐसे पद्धत से आप बनाओगे ना इस रीति से तो बहुत टेस्टी लगता है गाइस, एक बार आप बना के देखिएगा। मेरे हाथ की दाल सब बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है मेरे हाथ की दाल। और फिर ये सब्जियां निकाल ले रही हूँ फ्रिज में से। तो आज मैंने पालक पनीर पालक बनाने का सोचा है, तो ना पालक ला के रख दिया था गड्डी में ऐसे, मतलब उसका जो जड़ वगैरह था वो निकाल के फिर पेपर में रख देती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता ना साफ़ करने का, तो जब टाइम मिलता तब कर लेती हूँ। तो ये एक पाव के करीब लिया मैंने 250 ग्राम का, मतलब ज़्यादा था, पर उसमें से थोड़ा निकाल के रख लिया है, अच्छे से वॉश कर लेना है। यहाँ पर एक पातीले में मैंने पानी रखा है उबालने के लिए, पालक को इसमें हमें उबाल के निकालना है, तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और एक दूसरे अगेन पातीले में ठंडा पानी लिया है, उसमें बर्फ़ डाल दिया है, बहुत सारा 8-10 बर्फ़ डाल देना है और एकदम चिल पानी लेना है। और पानी उबलने के बाद में ना पालक को सिर्फ 4 से 5 सेकंड के लिए इसमें डालना है, ज़्यादा नहीं रखना है, बस डाल के इसे थोड़ा दबा दीजिए, बस 5 से 6 सेकंड या 10 सेकंड बहुत हो गया। और फिर तुरंत हमें निकाल के ठंडा पानी में डाल देना, देखिए बर्फ़ का जो पानी है ना उसमें डाल देना है। तो इससे क्या होता है कि ना पालक का जो ग्रीन कलर रहता है, हरा कलर रहता है, वो बना रहता है बहुत ही, और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ मसाले के लिए मैं थोड़े से कोरिएंडर लीव्स ले रही हूँ, और अपना पुदीने के पत्ते भी लीजिए, मेरे पास उस समय नहीं था तो मैंने लिया, थोड़ा सा पुदीने पत्ते भी ले लीजिएगा। 3 से 4 हरी मिर्ची ले ली है और एक छोटा सा अदरक का डालना है हमें इसमें। ये पालक के ग्रेवी के लिए मसाला है, थोड़ा कोरिएंडर लीव्स, थोड़े पुदीने के पत्ते होंगे तो, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 हरी मिर्ची ने पीसना है। तो मैं पालक ठंडा होने तक ये बाकी का तैयारी कर ले रही हूँ। तो एक पूरी गड्डी ली है मैंने लहसुन की अच्छी, मतलब 15 से 20 पूरा कलियाँ होंगी देखिए, और इसको ना बीच से खाली काट लेना है, एक लहसुन के टुकड़े का 2 भाग करना है बस लहसुन का, ऐसे करना है। और 2 ओनियन लिया है, तो आजकल तो ओनियन कोई खाते कोई नहीं खाते, हर घर में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं खाते, बाकी ओनियन और लहसुन तो हम लोग खाते ही है। तो और क्लीन भी देखिए मैं तुरंत की तुरंत कर ले रही हूँ, क्योंकि वीडियो चलता रहता है ना, तो मुझे भी जितना जगह साफ़ सुथरा रहे उतना सही लगता है, और मैं हमेशा ही मतलब ऐसा करती हूँ, तुरंत की तुरंत क्लीन कर लो ना तो उतना काम आसान हो जाता है। अब ये पालक को अच्छे से निचोड़ के पानी को इसको एकदम महीन मिक्सर में पीस लेना है हमें। और ये जो मसाला था ना, हरी मिर्ची अदरक और कोरिएंडर लीव्स, साथ में पुदीने के पत्ते होंगे, तो 3-4 पुदीने के पत्ते भी डालिए, वो डाल के पीसना है। तो देखिए एकदम महीन पीस लिया है मैंने इसे। अब ये फिर से मैं मिक्सर के बर्तन वगैरह ऊपर रख दे रही हूँ, मतलब जैसे उतनी जगह क्लीन हो जाती है जैसे मैंने बताया। तो देखिए इस तरह से लहसुन को काट लिया है मैंने, तो एक पैन में ऑयल डालना है और फिर ये लहसुन जो कटे उसे फ्राई करके निकाल के साइड में रख देना है। और ये मैं 200 ग्राम पनीर ली हूँ, इसके टुकड़े कर लेने हैं मीडियम साइज के, तो इसे कट कर ले रही हूँ चौकोर आकार में, देखिए इस तरह से। और जो लहसुन जिसमें तल के निकाला था ना, उसी तेल में इस पनीर को डाल के थोड़ा सा फ्राई कर देना है, हल्का लाइट ब्राउन कर लेना है। और ये देखिए ब्राउन हो गया है, तो अब इसे निकाल लेंगे।
तो मैं ढाबा स्टाइल लहसुनी पालक बना रही हूँ, तो इसके लिए ना हमें खड़े मसाले लगेंगे। तो मैंने मेरे खड़े मसाले का डब्बा निकाल लिया है। ये मसाले का डब्बा तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब उसी पैन में बटर डाल देना है पहले थोड़ा सा। बटर होने के बाद में 2 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा के तड़कने के बाद 3 से 4 काली मिर्च डाल देंगे और 1 छोटा बड़ी इलायची डालेंगे और 1 से 2 लवंग के टुकड़े डाल देना है और 1 दालचीनी का छोटा टुकड़ा डाल देना है। खड़े मसाले बहुत लोगों को पसंद नहीं आते, मुंह में आते हैं, तो आप उसकी क्वांटिटी कम वगैरह भी कर सकती हैं। सबके अपने अपने चॉइस पे रहता है। और थोड़े से 3 से 4 लहसुन की कलियां और अलग से ये कटी है मैंने, वो जो फ्राई किया वो नहीं है, दूसरी है, और वो लेना है। और ये जो 2 ओनियन हमने बारीक काटा था वो डाल देना है इसमें। लहसुन जब हल्का फ्राई हो जाएगा ना उसके बाद में ओनियन को डाल देना है। ओनियन के लाल होने के बाद में टमाटर डाल देंगे। 1 बड़ा टमाटर लिया था मैंने। और फिर देखिए कौवा फिर आ गया, तो मैं ना बीच में वो चिल्लाने लग रहा था तो आना पड़ गया, क्योंकि नहीं आऊँगी ना तो चिल्लाता रहेगा और फिर मुझे वीडियो में मेरे बहुत डिस्टर्बेशन हो जाता है, तो मैंने इसलिए फिर से डाल दिया। तो चलिए अगेन किचन में चलते हैं। अब इस मसाले में रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है और जो हमने जो पालक पिसा था वो डाल देना है इसमें मसाले के अच्छे से हो जाने के बाद में। और अगेन अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा सा मिक्सर में जो पालक था उसमें भी पानी डाल के मैंने डाल दिया और पकने को रख दिया है। तो देखिए अच्छे से पक गया है। पकने के बाद में जो हमने लहसुन तला था ना वो डाल देना। लहसुन के 1 लहसुन का 2 भाग करना है, तल लेना है और इस तले लहसुन को इसमें डाल देना है। फिर ये घर की फ्रेश मलाई ली है मैंने, फ्रेश मलाई को ना अच्छे से फेंट लेंगे तो अच्छी बन जाती है, फिर उसे डाल देना है। और उसके बाद में मलाई के डालने के बाद में ये जो पनीर हमने तला था वो डाल देंगे और अगेन मिक्स कर लेना है। फिर नमक डाल देना है स्वाद के अनुसार। और एक ये जायफल है इसका थोड़ा सा हमें किसके डालना, पूरा जायफल नहीं डालना, तब थोड़ा सा मतलब 1 चुटकी तक आप कह सकते हैं। उसके बाद में 1/2 लींबू को मैंने रस ले लिया उसका और बस मिक्स कर लेना है और ढक के रख देना है। हमारा पालक पनीर बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर मैं जीरा राइस करने को ले रही हूँ, उसके लिए ऑयल में थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, 1 छोटी इलायची डाली है और 3 से 4 तेज़पत्ते डाल दिए हैं। और उनके होने के बाद में चावल जो हमने वॉश कर लिया था उसे डाल देना है। तो मैंने 2 कप चावल लिया था तो इसलिए 2 कप पानी डाल रही हूँ मैं और थोड़ा नमक डाल देना है और अच्छे से मिक्स करके कुकर लगा देना है। यहाँ पे मैं बूंदी रायता बनाने को ले रही हूँ, तो 3 से 4 चम्मच दही ले लिया है, उसे अच्छे से फेंट लिया है। फिर थोड़ा पानी डाल देना है, अगेन फेंट लेना है उसे, और धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर डालना है, नमक डाल देना है, शक्कर डाल देना है और कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देना है। हो गया। उसके बाद में कोरिएंडर लीव्स डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए अच्छे से। और फिर बूंदी जो खारी बूंदी रहती है उसे डाल देना है। तो हमारा बूंदी रायता बनकर बिल्कुल रेडी है। अब मैं ये दाल फ्राई करने को ले रही हूँ। इसके लिए ऑयल में मैंने राई जीरा डाल दिया है, कड़ी लीव्स डाले हैं, लहसुन कटी हुई, हरी मिर्ची कटी हुई डाली और जो टमाटर लिया था ना हमने उबालने को वो डाल दिया। उसके होने के बाद मैं रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दिया है। उनके फ्राई होने के बाद में दाल डाल देना है। तो हमारा दाल तड़का बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसमें नमक डाल दीजिए और गुड़ डालिए, गुड़ से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डाल दीजिए और कोरिएंडर लीव्स डाल दीजिए। तो दाल हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। यहाँ हलवा बनाने को ले रही, हलवा की रेसिपी मैंने पहले भी बताई थी। घी में जितना सूजी लगेगा उतना ही डालना है। भूनने के बाद में गर्म पानी डाल देना, गर्म पानी हमेशा डबल डालना है। तो देखिए इस तरह से, और उसके होने के बाद में उसमें थोड़ा शक्कर डाल दीजिए और अच्छे से सूख जाने के बाद में ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। केसर डाला है मैंने, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और इलायची का पाउडर डाल दिया। तो मैंने पहले भी आपको इसकी रेसिपी बताई हुई है। एक केसर डाल के मैं ढक के रख दूँगी। हलवा बनकर बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर मैं आटा मलने को ले रही हूँ गूंदने के लिए। तो देखिए मेरा ये हलवा बन चुका है, ये पालक पनीर बन गया है ढाबे स्टाइल लहसुनी पालक पनीर, ये बूंदी रायता बना है, जीरा राइस हो गया, दाल तड़का हो गया। तो चलिए अब थाली सजा लेते हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस। बहुत मेहनत लगती है, खाना बनाने में इतना मेहनत नहीं है लेकिन वीडियो निकालने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो प्लीज
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और कंटिन्यू रहिए। बहुत ही सुंदर सुंदर मेरे सावन महीने के रेसिपीज आने वाले हैं आपके लिए, तो देखिएगा जरूर। ये मेरी भोग की थाली है, भगवान को मैं भोग लगा रही हूँ। और फिर शाम को मैं ये मंदिर आ गई थी शिव जी के दर्शन करने के लिए, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और अगर इस वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियो लेके आने वाली हूँ मैं अभी मेरे लिविंग रूम का मेकओवर का भी वीडियो मैं लाने वाली हूँ, तो जरूर देखिए। और घर आने के बाद मैं शाम को मैं तुलसी के पास दिया बत्ती और करने लगे, तो कंटिन्यू रहिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।